अगस्त को मध्य प्रदेश स्थित मुरैना के श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 23वें तीर्थंकर श्री पशुनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जी के समक्ष निर्वाण लाड़ू अर्पित किया। आरिका श्री चिंतनमती माता जी सत्संग के मंगल सानिध्य में जबलपुर स्थित कंचन विहार जैन मंदिर में श्री पशुनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने श्री जी के समक्ष 23 किलो का निर्वाण लाड़ू चढ़ाया। महाराष्ट्र के उदगांव स्थित कुंजवन में अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में 23 अगस्त को श्री पशुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुरु भक्त उपस्थित रहे। 23 अगस्त को चंडीगढ़ में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में भगवान पशुनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा 123 किलो का निर्वाण लाडू प्रभु पशुनाथ के समक्ष चढ़ाया गया। धामनोद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री भगवान पशुनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव 23 अगस्त को बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जी के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। 24 अगस्त को आरिका श्री गौरवमती माता जी की प्रथम पुण्यतिथि एवं अवतरण दिवस के पावन अवसर पर जयपुर के श्यामनगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं आरिका श्री विश्व यशमती माता जी मुरादाबाद स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है, जहां 24 अगस्त को आरिका श्री विश्व यशमती माता जी ने प्रातः काल की बेला में केशलोंज की क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान भक्तों ने आरिका श्री के इस केशलोंज की अनुमोदना की। महाराष्ट्र स्थित गोरेगांव में 23वें तीर्थंकर श्री भगवान पशुनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ 23 अगस्त को मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री पशुनाथ विधान का आयोजन किया। 24 अगस्त को वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संघस्थ आरिका श्री दिव्य श्रीमती माता जी ने उदयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में केशलोंज की क्रियाएं संपन्न की। शुल्लक श्री विगुण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में पोरसा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 23 अगस्त को प्रभु पशुनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। भक्तों ने 23 किलो का निर्वाण लाडू श्री जी के चरणों में अर्पित किया। 24 अगस्त को झारखंड के श्री संवेद शिखर जी स्थित तेरापंथी कोठी में मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा मीना जैन को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।